लो फ्रेंड्स, मैंने ये दो हैंडबैग बनाए हैं। देखिए, ये पिंक कलर का और एक ये वाला बनाया है लाइट से वाइट और ग्रीन कलर का। और इसमें काफ़ी स्पेस है, आप इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं। जैसे ये फ़ोन हो गया, आपका फ़ोन आ गया, आप लिपस्टिक अपने लिए जैसे कहीं जा रहे हैं छोटे से टूर पे कहीं पे, लिपस्टिक, बिंदी और एक ये सनस्क्रीन भी हो गई, नहीं आ पाएगी कोई नहीं। और ये आपकी गाड़ी की चाबी, आप इसमें लगा सकते हैं। और ये चेन मेरे पास घर पे ही रखी थी, जो मैं ड्रेसें बनाती हूँ जैसे एंड में लगाते हैं, जो थी फिलहाल वही लगाई। और ये साइड में एक ये लटकन बना दिया, बड़ा क्यूट सा लग रहा है ये देखने में, अच्छा सा। और ये इसकी चेन बनाई है, और चेन ऐसे मैंने ये थ्रेड से तो दोनों तरफ से ऊन से बनाई बनाई है। इसके बीच में एक चेन थी और ये मेरी वेस्ट चेन थी पर्स की, जो मैंने इसके अंदर क्रोशिया से कर कर बुन के तब डाली है। थोड़ा थोड़ा सा करके देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़ा ही क्यूट था पर्स लगता है हैंडबैग। इसको आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही मैंने एक पर्स और बनाया है, ये पिंक वाला। सामान तो ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हम लोग, जितना हमें चाहिए नॉर्मल सा उतना ही रख सकते हैं। उस वाले पर्स में देखते हैं कि कितना आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा सामान रखे तो वैसे ही नहीं चल सकते, इसलिए तो बड़ा ही हैंडबैग चाहिए या तो छोटा सा बनाना है। एक ये पिंक वाला बनाया है, इसकी मैंने जो बेल्ट बनाई है, जो ये मैंने ऊन से ही बनाई है सारी। और अधिकतर तो मेरे पास जो घर में सामान होता है मैं उसी का ही यूज़ करती हूँ, जो मेरे पर्स खराब हो जाते हैं कुछ है उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये भी मेरा पुराना एक पर्स था, उसके ये हैंडल निकले हुए थे तो मैंने उन्हीं का ही यूज़ करा। और मैं कपड़े स्टिच करती हूँ तो ये चेनें मेरी उसकी हैं, पैंट की, जो मैं पैंट बनाती हूँ उसकी चेन है ये। अब इसमें देखते हैं हम कितना हम सामान कैरी कर सकते हैं। फ़ोन हमें हमेशा चाहिए होता, फ़ोन जरूर आना चाहिए। देखिए, फ़ोन हो गया हमारे पास और आराम से आता, इजीली एकदम। देखिए, काफ़ी स्पेस है इसमें, ये देखिए, क्योंकि मैंने जो बनाया है यहाँ पर पहले तो ये मैंने स्ट्रेट सीधा ही बना लिया ऐसे करके, उसके बाद मैंने ये सर्कल बनाए छोटे छोटे से दोनों साइड पे, ये सर्कल बनाए, इनको मैंने सीधा अटैच कर दिया इधर से, इसीलिए ये ऐसा फूला फूला सा दिखता है आपको। अब इसमें देखिए मेरा फ़ोन आ गया, गाड़ी की चाबी हर किसी को चाहिए होती है, जिसको चलानी आती है उसके लिए, ठीक है। मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती, फिर भी मैं इसके अंदर चाबी डाल रही हूँ, जिसको चलानी आती है उसके लिए गाड़ी की चाबी हो गई, आपकी लिपस्टिक हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया, क्रीम भी डाल सकते हैं आप एक आधी, कोई भी। देखिए, इसके अंदर फिर भी काफ़ी स्पेस है, सामान आ गया। ब्रश भी आपको मेकअप के लिए डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, मेकअप ब्रश भी आपका इसके अंदर आ गया। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है मेरा इस पर्स में। और ये तो और भी ही प्यारा लग रहा है, छोटा सा, आप साड़ी पे कैरी कर सकती हैं इसको, सूट पे कैरी कर सकते हैं इसको, देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, सिंपल सोबर सा पर्स है। मतलब गर्ल्स जो है, गर्ल्स भी ले सकती हैं, लेडीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा खुद ही मैं बैठकर बनाती हूँ इनको, कि आपको लगे कि मैं सिखा नहीं रही हूँ। अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ तो इसको मैं सिखाना भी स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को अगर कुछ समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपको समझा दूँगी जो भी चीज़ आप अगर पूछना चाहें तो मुझसे। देखिए, इसके अंदर इतना स्पेस था कि इसके अंदर फ़ोन हो गया, ये लिपस्टिक हो गए, गाड़ी की चाबी हो गई, ये ब्रशेज हो गए, मेकअप के क्रीम हो गई,
ये इतना सारा सामान इसके अंदर कैरी हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।